नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और ये खूबसूरत से फ्लावर आप देख रहे हैं, ये सारे सर्दियों में खिलने वाले फूल हैं, ये देखिए। और इनमें जो ये आप पिटूनिया का प्लांट देख रहे हैं, ये सर्दियों का बहुत ही अच्छा फूल माना जाता है, और इसके बहुत सारे कलर्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आज के बाद मैं इन फूलों की पौध को कभी नहीं लगाऊंगा, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा आगे क्या कारण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने चैनल को देखा है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हम बात कर रहे हैं पिटूनिया की, और ये बहुत ही बेहतरीन फूल होता है। तरह तरह के इसमें कलर आते हैं, कुछ रंग बिरंगे से इसके कलर होते हैं, और आसानी से अवेलेबली हो जाते हैं। मैंने मन बनाया है कि आज के बाद मैं पिटूनिया की कोई भी छोटे पौधे नहीं लगाऊंगा। उसका कारण है, पिटूनिया ही नहीं, कोई भी छोटी पौध हो गई तो उसको क्यों नहीं लगाऊंगा। ये आप मेरे चार पौधे देख रहे होंगे, ये देखिए, और पौधों की ग्रोथ भी आपने देखी होगी कितनी अच्छी चल रही है इनकी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इनकी चल रही है। ये देखिए, बिल्कुल हस पूस हरे भरे, और गमले में पूरे भरकर ये पौधे चल रहे हैं, ये देखिए। हमने क्यों नहीं इनकी पौध लगानी है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये छोटे प्लांट लेकर आया था नर्सरी से, और चारों के चारों प्लांट एक ही कलर के, ये फूल खिलने के बाद पता लगा है कि चारों के चारों प्लांट एक ही कलर के हो गए हैं। और पांचवा ये पौधा है जो अभी पता नहीं है कि इस पर कौन से कलर का फूल खिलेगा, इसीलिए मैं अब छोटी पौध नहीं लगाऊंगा। छोटी पौध लगाने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया है। छोटी पौध लगाने के फ़ायदे ये हैं कि ये आप जितने ये भरे भरे प्लांट देख रहे हैं, ऐसे प्लांट आपको नर्सरी से नहीं मिलेंगे। इतनी ग्रोथ प्लांट की नर्सरी वाले नहीं कर सकते जितनी हम खुद छोटे पौधे को लगाकर कर सकते हैं। दूसरे जो छोटे पौधे हम लाते हैं, उनमें नुकसान ये है कि हमने उनका कलर नहीं पता होता कि क्या कलर वो रहेगा, क्योंकि पहचान इतनी नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ अगर हम फूल खिले हुए पौधा लेकर आएँ, जैसे ये देखिए, तो हमें पता लग जाता है कि ये किस कलर का फूल है, और आसानी से हम मन चाहे पौधे ले आ सकते हैं। अब देखिए, मैंने अगर सपोज़ करो गार्डन में पांच पौधे लगाने हैं केवल, ऐसा तो है नहीं कि नर्सरी की तरह मैं 50 पौधे घर पे लगा लूँगा। भी बहुत सारे फ्लावर होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है सर्दियों में पौधों की, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना पॉसिबल नहीं रहता है। किसी प्लांट के पांच पौधे, किसी के 10, किसी के 4, किसी के 2, इस तरह से करके हम लगाते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा गजेनिया है, अलग अलग कलर में ये है, बड़ा ही सुंदर इसका फूल लग रहा है। अब अगर ये भी पौधे सारे एक ही कलर के हो जाएं तो कितना दुख होगा कि मैं पिछले 2-3 महीने से इनको अच्छी तरह से पाल रहा हूँ, इनका ध्यान रख रहा हूँ, और आज जाके मुझे पता लगा है कि ये सारे एक ही कलर के निकल गए हैं। तो इस तरह से मैं अब कोई भी छोटी पौध नहीं लगाऊंगा, और उसके सारे नुकसान मैंने आपको बता दिए। हालांकि नुकसान के साथ फ़ायदे भी बताए हैं, और फ़ायदे भी बहुत मात्रा में मिलते हैं, लेकिन उस फ़ायदे का मैं अब क्या करूं कि सारी मेहनत करने के बाद ये इस तरह से ये रिज़ल्ट कुछ निकल के आए। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही था, अगर आप 2-4-5 पौधे लगाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा मात्रा में पौधे नहीं लगाने हैं, तो आप नर्सरी से फूल खिले हुए पौधे ही लेकर आएँ, ताकि आपका मन चाहा पौधा आपको मिल सके, आपका मन चाहा फूल खिल सके, और आपका जो मन है वो बिल्कुल खुश रहे।
तो यही मेरा मोटिव था वीडियो बनाने के पीछे। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।